वेलकम टू द अदर 167, जहां मैं परवीन एक बार फिर आपसे जुड़ रही हूं। आप ऐसे तो बहुत से लोगों को जानते होंगे जो रिच एंड फेमस हैं, ब्यूटीफुल, स्मार्ट हैं, पर क्या किसी ऐसे को जानते हैं जो दूसरों को एनकरेज करता है, इंस्पायर करता है? ये एक रेयर क्वालिटी है, बहुत कम लोगों को ये ब्लेसिंग मिलती है। बाइबल धर्मशास्त्र में ऐसे ही एक आदमी का के बारे में बताया गया है जिसका नाम था बर्नबास, और इस नाम का मतलब ही है सन ऑफ एनकरेजमेंट। ये नाम उसे यीशु के चेलों ने बड़े प्यार से दिया था। बताया गया है इसके बारे में प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसकी 36 और 37 वर्स में लिखा है, और यूसुफ नाम का साइप्रस में रहने वाला एक लेवी था जिसे प्रेरित बर्नबास या सन ऑफ एनकरेजमेंट कहते थे। उसने एक खेत बेच दिया जिसका वह मालिक था और उस धन को लाकर चेलों के चरणों पर रख दिया। हाउ ऑसम! ये उस समय की बात है जब पहली कलीसिया बननी ही शुरू हुई थी। बर्नबास अब पूरी तरह खाली हो चुका था तन मन धन से यीशु की सेवा करने के लिए, और उसे बड़ी बड़ी सेवाएं ही दी जाती थीं। जब अंताकिया जैसी बड़ी जगह में एक कलीसिया संभालने की जरूरत हुई तो बर्नबास को ही उसके काबिल माना गया। बताया गया है प्रेरितों के काम उसके 11 अध्याय 24 वर्स में, क्योंकि वह पवित्र आत्मा और विश्वास से पूर्ण एक उत्तम पुरुष था और एक विशाल जन समूह उससे जुड़ गया। ये जन समूह था अंताकिया का ही, और ये वो पहली जगह थी जहां पे यीशु के फॉलोअर्स को क्रिश्चियन कहा जाने लगा। बर्नबास ना सिर्फ अपनी धन दौलत और डेडिकेटेड एफर्ट्स, बल्कि अपनी एनकरेज करने की रोशनी को भी लोगों के साथ बांटता था। सबसे बड़ा क्रेडिट उसे जाता है पौलुस जैसे जोशीले नौजवान और मरकुस जैसे माइल्ड नौजवान की मेंटरशिप करने का, उन्हें गाइड करना, उन्हें ट्रेन करने का। जब पौलुस पहली दफा यीशु में आया तो बहुत से मसीही लोग और चेले भी उससे मिलने से डरते थे। ऐसे में बर्नबास ही उसे चेलों से मिलवाने ले गया और उसके बारे में सब कुछ बताया। ये बताया गया है प्रेरितों के काम 9 और 27 वर्स में। इसके बाद पौलुस उसके साथ कुछ साल रहा और क्रिश्चियन स्पिरिट, कंडक्ट और वैल्यूज को और प्रचार करने के गुर को सीखता रहा। जैसे कि सोना तब के निखर जाता है, ऐसे ही निखर गया। ऐसे ही ना जाने कितने ही लोग उससे जुड़े। बर्नबास का जीवन एक सेल्फलेस, फलदार और भरपूर जीवन की एक बेजोड़ मिसाल है, जिसने अपना सब कुछ सेवा में लगा दिया लेकिन बदले में तारीफ तक नहीं मांगी। व्हाट अ वंडरफुल लेगेसी फॉर अस टू फॉलो। प्रियो, क्यों ना हम भी सन्स एंड डॉटर्स ऑफ एनकरेजमेंट होते हुए एक ऐसी रोशनी की मिसाल बने कि जिसके जीवन को छुए वो भी रोशन हो जाए। दूसरों में कमियां निकालना और उनको जज करना, क्रिटिसाइज करना, इससे कहीं बेहतर है कि लोगों को एनकरेज करके उनको अपना दोस्त बना लें, खुद भी एक भरपूर जीवन जिए, फलदार जीवन जिए, और दूसरों को एनकरेज करते हुए एक लेगेसी छोड़ के जाए, एक मिसाल छोड़ के जाए। जैसा लिखा है 1 थिस्सलुनीकियों 5:11 में, एक दूसरे को प्रोत्साहित, एनकरेज करते रहो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, निदान तुम ऐसा करते भी हो। शम्मा जलती नहीं सिर्फ जल जाने के लिए, बुझते बुझते भी रोशन कर जाने के लिए। बुझने ना दे अपने मन की रोशनी, सौंप जाए किसी को आगे रोशन करने के लिए। एनकरेजमेंट की जरूरत आपको भी है, हमें भी है, इसलिए आज का वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे साथ योगदान कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।